नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं क्राइम सेवन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आपकी खबरों पर। गुजरात के दाहोद जिले में दाहोद की कांग्रेस समिति द्वारा आज रोज करीबन 5 बजे दाहोद के कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए आवाज उठाई और मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में वे उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसी चिमकी भी उनके द्वारा दी गई। पहला भारतीय जनता पार्टी ये नारो आप कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आवशे तो सारा दिवस आवशे, परंतु आज परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। 2014 में पेट्रोल भाव 60 था, तरह आज पेट्रोल भाव 80 ऊपर पहुँचा। 2014 में डीजल भाव 40 था, आज डीजल भाव लगभग 72-73 पहुँचा। गरीब अने मध्यम वर्ग आज गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भराव ये आज खूब मुश्किल पड़ू। तरह आज अमे कांग्रेस पक्ष विरोध करे कि जे पेट्रोल भाव हमें वारा में आया है, लगभग 12-13 वक्त वारा में आया। आज 80 रुपया पेट्रोल और 72 रुपया डीजल से आप भाव वारो तात्कालिक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पाछों खेचे, नहींतर आज रीतना कांग्रेस सड़क पर उग्र आंदोलन करतु रहे। दाहोद से साजिद मलिक की रिपोर्ट, क्राइम 7 न्यूज़।